राहुल गांधी जिंदाबाद, सुप्रिया एरन जिंदाबाद, भीम सिंह एरन जिंदाबाद। देखिए मौजूद हैं बरेली के जवाहरलाल नेहरू का केंद्र में। यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे हैं सुप्रिया एरन जी बरेली की पूर्व महापौर कांग्रेस की मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान सपा बसपा में हुए गठबंधन के बारे में। दोनों के गठबंधन के रहते कांग्रेस कैसे पार पा पाएगी मोदी सरकार से, आइए बात करते हैं सुप्रिया एरन जी से। गाँव गाँव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर। महापौर सुप्रिया एरन जी, क्या आयोजन है मैम आज यह बरेली में? आज खिचड़ी का आयोजन है और ये जश्न मनाया जा रहा है। एरन साहब का लोकसभा से हम लड़ने जा रहे हैं चुनाव, जैसा कि पार्टी से संकेत मिले हैं टिकट एरन साहब का ही हो रहा है कांग्रेस से, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और एक खिचड़ी साथ में हमने भोज रख लिया है एक प्रसाद की तरह से, तो सब लोग इकट्ठे हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। संजय सिंह जी आए हुए हैं शहर में, हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रभारी हैं, आगे राहुल जी की जो रैलीज होंगी इस एरिया में उसके प्रभारी हैं, उसके भी इंतजाम देखने वो आए हैं, उसकी भी तैयारी है और पूरे जोर से इस चुनाव में उतरने की तैयारी है, उसकी शुरुआत है। विपक्षी पार्टियों में खासतौर से बसपा ने सपा ने अलायंस कर लिया है और सेकुलर वोटों का ध्रुवीकरण करने की दावा हो रहा है, वोट शेयर करने की बात हो रही है, क्या लगता है कि आपको वोट शेयर हो जाएगा इस बार चुनाव में? सेकुलर वोट मतलब मुस्लिम वोट, दलित वोट, यादव वोट इत्यादि वोट क्या आपको मिल पाएगा कांग्रेस पार्टी? जैसे आप जिस तरह से आपने सवाल पूछा उससे आपको इन पार्टियों की मंशा समझ में आ रही है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये यूपी की लड़ाई नहीं है। यूपी की लड़ाई में तो मैं समझ सकती हूँ कि सपा बसपा का ये जो खेल हमेशा से रहा है और इसी तरह वो भाजपा को फायदा पहुँचाते हमेशा से रहे, लेकिन अब ये लोकसभा की लड़ाई है। मैं तो समझती हूँ जो इस वक्त मोदी सरकार को हटाने की कोशिश में नहीं लगा है वो देशद्रोह कर रहा है। इस वक्त हमें अपने देश को बचाने की ज़रूरत है और ये जो दो पार्टी इकट्ठी हो रही, क्या आपको लगता है, आप पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है रिलायबल है ये जो ये गठबंधन हो रहा है? क्या आपको लगता है पहले जैसे उदाहरण है, जैसा इतिहास गवाह है, क्या आपको लगता है ये एक मजबूत गठबंधन होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इसको जिस तरह से उछाला जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा मोदी को टक्कर देने वाला गठबंधन, ये भी सब एक आई वॉश है, एक पब्लिक को भटकाने का तरीका है, मुस्लिम वोट को बांटने का तरीका है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे फ़ायदा होगा कांग्रेस को, मुस्लिम वोटर या मुस्लिम वोटर कहें, दलित वोटर कहें, अल्पसंख्यक वोटर कहें, सब बहुत समझदार होते हैं, 5 साल में सब बच चुके हैं। और बरेली की जहाँ तक बात है, मैं बरेली की बात करूँगी, 7 बार के एमपी को अगर किसी ने हराया था वो प्रवीण सिंह एरन ने हराया था, कांग्रेस पार्टी ने हराया। अब भी वही होने वाला है, जहाँ वोट बटा, अगर वोट बटा तो फिर वही फ़ायदा होगा कि हमें फिर 8वीं 9वीं बार इस नकारा और बेकार सांसद को झेलना पड़ेगा। पब्लिक जागरूक है और अगर जैसा कि हम परेशान आ चुके हैं तो कांग्रेस को इस गठबंधन से फायदा होने वाला है। खास तौर पर बरेली की बात कर रही हूँ, बरेली में ना कोई कैंडिडेट है इनके पास, ना कोई, आपको क्या लगता है इतने दूर विरोधी, इतने दुश्मन आपस में, बसपा का सही मायने में वोटर जाके सपा को वोट डाल पाएगा? आप मुझे आज बता दें, आप नहीं डाल पाएगा। और सपा से तो एंटी है लोग, इसलिए कि ये नुकसान जी, ये दोनों सरकारें देख चुके हैं हम यूपी में और अब ये बात मोदी और मोदी को हराने की है, आरएसएस के हथकंडों से पार पाने की है, अमेरिका के दखल से पार पाने की है, तो ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, छोटा मोटा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रवीण सिंह एरन जी को, कांग्रेस पार्टी को हम लोग इस बार एक सांसद यहाँ से देंगे, ऐसे हम उम्मीद करें। दलित और अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए आपके पास क्या फार्मूला रहेगा? यही फार्मूला है, जब भी अल्पसंख्यक वोट बटा है तभी हमने देखा है, 7 बार से देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी तो ये लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग भी हम लोग इनसे लड़ते रहे हैं, जब भी सपा बसपा में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, इतिहास गवाह है कि आबिदा बेगम के बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीत पाया। और सपा बसपा के पास आज की तारीख में जो कैंडिडेट्स हैं, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, एक सीट सपा को जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। सपा अगर मुस्लिम कैंडिडेट को जहाँ तक लाएगी तो फिर उसका मुस्लिम अब हमारा समाज समझ चुका है कि हम अपना वोट बांटा नहीं कि फिर से संतोष जी को जिताए, तो यही हम लॉजिक देने वाले हैं, हमेशा से देते रहे हैं। और मेरे ख्याल अब हमारे आसान होगा कि आप सपा बसपा में अलग अलग हमें नहीं बात करनी है, अब एक गठबंधन के खिलाफ हमें सिर्फ बोलना है और मोदी जी के खिलाफ तो हम सब लोग मुहिम चला ही रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन हमारे लिए पहले से बेहतर होगा, समझाने में ज़्यादा आसान। सिर्फ 4-5 मंत्री चाहिए, इनको क्या चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हमें कांग्रेस को चाहिए देश का वजूद बनाए रखना, हमें वो जरूरत है कि सुप्रिया एरन जिंदाबाद, प्रवीण सिंह एरन जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह जिंदाबाद। पहले ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम फिर अमेरिका के गुलाम होने जा रहे हैं।
हमारे देश पर हमारी जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज हैं उन सबको खत्म करने का ऐसा मुझे मंशा दिखाई दे रही है। ऐसी मुझे खबर मिली है कि परसाखेड़ा में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें जो भी नई कंपनी आ रही है वो सब विदेशी है, हमारी अपनी जो कंपनियां हैं वो सब बंद होने के कगार पे हैं। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा देश जहां पर इस तरह से विदेशी आक्रमण, इस तरह से विदेशी घुसपैठ होती हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मोदी का देश, मुझे ऐसा स्वच्छ भारत भी नहीं चाहिए। मुझे वो भारत चाहिए जो कांग्रेस के राज में होता था, हम लोग चैन से जीते थे, हमें कोई ये नहीं डर होता था कि आज इधर दंगा हो जाएगा, इधर उधर दंगा हो जाएगा। बड़ी बातें हो रही थी कुंभ के मेले की, क्या इंतजाम है इनका अगर आप सुने तो, हर आदमी वहां जाकर परेशान हो रहा है, ना पानी है, ना शौचालय है, ना खाने को है। बड़ा आयोजन करके दिखा रहे थे ये आदमी, सारे काम छोड़ के बस यही करता रहे। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि सिवाय नाम जपने के, राम नाम जपने के और गौवंश की सो कॉल्ड रक्षा करने के, और क्या किया है इस मोदी सरकार ने इतने सालों में। तो ये बातें सब आप लोग कह चुके हैं, मैं दोबारा नहीं कहना चाहती। मैं बहुत आदर से सुनना चाहती हूँ संजय सिंह जी को। दे रही है भाजपा के लोग जिस तरह से घबरा रहे हैं, पीछे से कोई तार जोड़े गए हैं, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन करके ये जबरदस्ती ये गठबंधन बनाया गया है। इनमें शक्ति नहीं है बसपा सपा में अकेले चुनाव लड़ने की। अगर ये अकेले अकेले लड़ते तो बिल्कुल खत्म हो जाए। आप सब वापस आए, मैं नहीं जा रही हूँ, चुनाव जिताकर ही नहीं जाना हो तो जाएंगे। धन्यवाद बहुत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।